अखिलेश यादव कह रहे हैं कि यूपी में 79 सीटों पर इंडिया अलायंस जीतने वाला है और बीजेपी पैन इंडिया 140 सीट पर सिमटने वाली है। 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इस बार 4 जून को जब चुनावी परिणामों की घोषणा होगी तो इंडी अलायंस का सुपड़ा साफ हो जाएगा और एनडीए 2014 और 2019 से भी ज्यादा बड़े मैंडेट के साथ, ज्यादा बड़े जनादेश के साथ तीसरी बार देश में सरकार बनाएगा। इसलिए 4 जून के परिणामों का इंतजार कीजिए। राहुल गांधी कह रहे हैं 10 की जो राशन देंगे वंस दे विल कम इन द पावर। मुझे खुशी है कि वो आज एनडीए गठबंधन की सरकार के 10 साल के कामकाज और हमारी नीतियों से प्रभावित हो रहे हैं और हम ही हमारी सरकार से ही इंस्पिरेशन ड्रॉ कर रहे हैं और जो हम कर रहे हैं अभी तक करते आए हैं हमारे ही नक्शे कदम पर वो चलना चाहते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे विपक्ष के साथी भी हमारी नीतियों से सहमत हैं और उनके मन में भी ये विश्वास प्रबल हो गया है कि एनडीए सरकार ने 10 साल तक मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह काम किया है आज देश की जो आम जनता है उसका भरोसा सरकार पे बढ़ा है और विकासवाद की जो राजनीति को हमने आगे लेकर जाने का काम किया है इसलिए देश की जनता तीसरी बार इस गठबंधन की सरकार को सत्ता में लाने जा रही है। क्योंकि आप एक फीमेल पॉलिटिशियन है, हवा में आते हैं, खेती से जुड़े हुए जीएसटी हटाएंगे, महिलाओं को आरक्षण देंगे, महिलाओं को सरकारी नौकरी में आरक्षण देंगे, तमाम वायदे वो लगातार कर रहे हैं। पेपर लीक का मुद्दा सबसे पहले सॉल्व करेंगे और इसके अलावा अग्निवीर योजना को खत्म करेंगे। देखिए आज वो सत्ता से बाहर हैं तो तमाम किस्म के विषय उठा सकते हैं, महिलाओं की बात कर सकते हैं, लेकिन उन्हें इस देश के आम मतदाता ने सत्ता में एक बार नहीं कई बार मौका दिया है, लंबे समय तक 5 दशक तक मौका दिया है। क्या तब आपको आधी आबादी की चिंता नहीं सताती थी? हमारी सरकार को 2 बार देश की जनता ने मौका दिया और हमने अपने सरकार की जितनी नीतियां, योजनाएं, कार्यक्रम चलाए उसमें हमने ज्ञान की बात की, यानी गरीब, युवा, अन्नदाता किसान और नारी शक्ति, यानी महिलाएं हमारी प्राथमिकता में रही हैं। और आप एक सिरे से सारी योजनाएं उठाकर देख लीजिए, चाहे उज्ज्वला गैस का कनेक्शन दिया हो, चाहे हर घर नल से जल पहुंचाया हो, या हमने मुद्रा योजना के तहत लोन दिए हो, या हमने महिलाओं को जो आवास बनाए उसका मालिकाना हक दिया हो, हमारी जो भी योजनाएं रही वो नारी शक्ति को सशक्त करने की दिशा में रही। हम महिलाओं को लखपति दीदी बना रहे हैं, हम और 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाएंगे, उन्हें ड्रोन पायलट ट्रेनिंग देंगे। तो महिलाओं के लिए हमने सिर्फ वादे नहीं किए बल्कि हमने बहुत कुछ करके दिखाया। करोड़ों महिलाओं के जीवन में आज हमने बदलाव किया है और ये देश की आधी आबादी जानती भी है, इसीलिए आप देख रहे हैं कि आधी आबादी, पिछले कई चुनाव से आप लगातार देख रहे हैं कि आधी आबादी पूरी मजबूती के साथ सामने आ रही है और हमारे गठबंधन को हर सीट पर दमदारी के साथ वोट भी कर रही है। राहुल, देखिए ऐसा है, मैं फिर वही बात कहूंगी कि जब उनके पास मौका था तब उन्होंने देश की आधी आबादी की चिंता नहीं की, लेकिन हमें मौका मिला तो हमने आधी आबादी को अपनी प्राथमिकता की सूची में डाला और महिलाओं के जीवन में आज एक बहुत बड़ा सकारात्मक बदलाव हुआ है। आज महिलाओं को स्वस्थ ईंधन से बेहतर जीवन मिला है, आज महिलाओं को शौचालय जैसी बुनियादी जरूरत जिसकी पूर्ति करने के बारे में किसी सरकार ने नहीं सोचा, करोड़ों करोड़ हमने टॉयलेट्स बना दिए, महिलाओं की गरिमा की रक्षा करने का हमने प्रयास किया। आज अगर हर घर नल से जल पहुंच रहा है तो ये महिलाएं ही तो थीं जो कई मील दूर चलकर सिर पे मटकी लेकर जाती थी पीने के पानी की तलाश में, या लकड़ी का चूल्हा जला